बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं देश की महिला पहलवानों की तरफ से ब्रजभूषण शरण सिंह पर। लंबे वक्त से देशभर में ये मामला गहराया हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है और इस मामले पर देखा जाए तो अब तक देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो मोदी सरकार से तमाम सवाल पूछते हुए देखे जा रहे हैं तमाम विपक्षी दल और ब्रजभूषण शरण सिंह को उनके सांसदी पद से हटाने की बात कही जा रही है, लेकिन अब तक उन्हें पार्टी से ना ही बाहर निकाला गया है और ना ही उनकी सांसदी रद्द की गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की तो उनकी सदस्यता तक चली गई, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने तक का दावा कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी अब अपनी बात रख चुकी हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह पर मोदी सरकार पर उन्होंने हमला बोल दिया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में ब्रजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में देखने को मिला कि ब्रजभूषण शरण सिंह बदसलूकी करते हुए नजर आए एक महिला पत्रकार के साथ। आपको बता दें कि एक महिला पत्रकार ने उनसे इस्तीफे को लेकर सवाल पूछ दिया कि अब आपको इस्तीफा देना होगा, आप कब इस्तीफा दे रहे हैं, और ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह भड़क उठते हैं, यहां तक कि उनके हाथ को भी झटक देते हैं। लेकिन जब वह अपनी कार की सीट पर बैठने को जाते हैं, महिला पत्रकार उनके पीछे सवाल पूछने के लिए जाती हैं और उस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह कार का गेट बंद कर देते हैं और महिला के हाथ टूटने से भी बच जाता है, क्योंकि माइक जमीन पर गिर जाता है, फर्श पर गिर जाता है और वहीं यहां पर माइक टूट जाता है। ऐसे में देखा जाए तो महिला पत्रकार के साथ जो बदसलूकी देखने को मिली है ब्रजभूषण शरण सिंह की, उसे देखते हुए अब निंदा की गई है मायावती की तरफ से भी और उनके भतीजे और बीएसपी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की तरफ से। दरअसल आपको बता दें कि आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, उनका कहना रहा महिला रिपोर्टर से कैमरे पर कोई इतनी बदसलूकी कर सकता है तो सोचिए महिला पहलवानों के साथ कैसा सलूक होता होगा। आदरणीय मायावती जी ने कहा था कि पहलवानों के आंदोलन पर भाजपा का रवैया बेहद उदासीन है। आपको बता दें कि इस मिसबिहेव को लेकर आकाश आनंद ने उस वीडियो को साझा भी किया है और अपनी बात रखी है। तो ऐसे में देखा जाए मायावती का कहना भी साफ तौर पर रहा है कि भाजपा का रवैया बेहद उदासीन है और ऐसे में यहां पर सवाल खड़े हो चुके हैं, जब सरेआम वह किसी महिला पत्रकार से बदसलूकी करने पर नहीं चूक रहा है तो जाहिर सी बात है महिला पहलवानों के साथ भी उन्होंने कैसी बदसलूकी की होगी। अब देखते हैं कि आखिरकार यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोर्ट का क्या कुछ अहम फैसला आता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से यहां पर दावे किए गए हैं कि कहीं ना कहीं आरोप अगर सही साबित होते हैं तो गिरफ्तारी भी हो सकती है और ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।